हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल यूनिक रन। और आज देखिए, मैं आपको बताने जा रही हूँ, ये है जो कीमा होता है, चिकन का कीमा, उसकी कचौड़ी बनाने जा रही हूँ। ये देख सकते हैं आप, ये मैंने लिया है 200 ग्राम चिकन है, बोनलेस चिकन है। और आपको भी ऐसे ही लेना है, आप क्वांटिटी अप और डाउन कर सकते हैं। ये मैंने 200 ग्राम लिया है, आप इससे ज़्यादा और कम भी कर सकते हैं, जितना भी आपको लगता है। हमें इसे अच्छे से धोना है गाइस, उसके बाद हमें धोने के बाद इसे अच्छे से सुखाना है। सुखाना मींस जैसे किसी भी आप कपड़े से, किचन के कपड़े से लेके अच्छे से इसे सोख लेना है, इसका पूरा पानी, जितना भी इसके अंदर पानी है वो, ताकि एब्जॉर्ब हो जाए। उसके बाद हमें इसे मिक्सी में अच्छे से पीस लेना है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये इसके बाद हमारा चिकन कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा है। ये देखिए आप, ये मिक्सी में पीसने के बाद देखिए कितना सॉफ्ट हो चुका है। और अब हम इसे बाकी इंग्रेडिएंट्स डाल के तैयार करते हैं, ताकि हमारी जो कीमा कचौड़ी है वो अच्छे से टेस्टी बने। तो चलिए हम इसमें अब बाकी के मसाले भी ऐड करते हैं। ये देखिए, ये है फ्रेंड्स वो मसाले जो हमें अभी अपने चिकन में मिलाने हैं। ये देखिए, ये मैंने एक प्याज लिया है, ये बारीक कटा हुआ प्याज है। ये रेड चिली पाउडर है, ये 1 चम्मच है। और ये 1.5 चम्मच लिया है मैंने चिकन मसाला। ये थोड़ा सा जीरा लिया है, 1/2 टीस्पून जीरा लिया है। कोरिएंडर पाउडर है, ये भी मैंने 1 टीस्पून लिया है। ये 2 मैंने ग्रीन चिली है बारीक चॉप की है। और ये थोड़ा सा काली मिर्च है जो कि मैंने 1/2 टीस्पून से भी कम ली है। और ये हमारी जो कलर की मिर्च होती है, कश्मीरी मिर्च, ये मैंने वो ली है। थोड़ा सा राई ली है 1/2 टीस्पून। और ये थोड़े से दाने मैंने जो धनिया होता है सीड्स, वो लिए हैं। तो आप इन सब को अब हमारी चिकन में मिलाते हैं। अब इन सब देखिए फ्रेंड्स, ये जो हमारा आटा है, कचौड़ी का आटा, वो तैयार हो चुका है। और ये हमें जो हमारे घर में डेली में चपाती के लिए आटा गूंथता है, ये उसकी तरह नहीं गूंथना है। ये थोड़ा हमें पतला रखना है, जैसे कि इस टाइप से पतला रखना है, ये इस टाइप से पतला रखना है, क्योंकि हमें ये चपाती, ये जो हमें कचौड़ी बनानी है, ये हमें बेलनी नहीं है, ये हमें कपड़े से बनानी है। और देखिए अब ये आटा तैयार हो चुका है, और इसका जो नेक्स्ट प्रोसेस है वो मैं आपको कपड़े से कैसे बनती है वो बताती हूँ। इसके लिए हम तो फ्रेंड्स, आप सोच रहे होंगे कि अभी नमक क्यों नहीं डाला, मेन तो नमक होता है। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगी कि स्टार्टिंग में नमक नहीं डालेंगे हम, नमक लास्ट में डालेंगे, तब हम कचौड़ी बनाने के समय पे डालेंगे। क्योंकि जैसे ही हम इसमें नमक डालेंगे तो नमक अपनी पानी छोड़ना शुरू कर देगा, जिससे ये बहुत पतला हो जाएगा, जो कि हमें बिल्कुल सूट नहीं करेगा। और पतला होने से ये बाहर आएगा, फट जाएगी कचौड़ियाँ। तो हम चाहेंगे कि इसे जितना सूखा रखना है उतना आप सूखा रखिए, ताकि कचौड़ी फट ना पाए और कचौड़ी की शेप भी सही रहे, ताकि और उसमें अंदर ऑयल भर गया तो वो फिर बिल्कुल बेकार हो जाएगी। तो इसके लिए हम इसमें नमक अभी ऐड नहीं करेंगे। और मैं आपसे भी यही कहूँगी कि आपको भी नमक लास्ट में ही डालना है। अभी आप देख रहे हैं ना इसकी कंडीशन कितना सॉफ्ट और कितना मतलब ड्राई है, देखिए आप इसे। और ये ऐसा ही रहेगा यदि हम इसे नमक नहीं डालेंगे, और नमक डालना भी है तो हम लास्ट में डालेंगे। तो चलिए अब हम इसका अच्छे से डो तैयार करते हैं, उसके बाद लास्ट में इसकी पोजीशन देख के फिर नमक डाल लेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम इसका जो आटा है वो तैयार करते हैं। ये देखिए, हमें आटा जो है पतला ही रखना है, क्योंकि हमें कचौड़ी बेलने वाली नहीं, हाथ से जो कपड़े पे बनाने वाली होती है वो, उसका डो चाहिए, उसका आटा हमें पतला चाहिए। तो हमें आटे को पतला ही रखना है। अभी मैं आपको ये आटा तैयार करके दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, मैंने इतना ऑयल लिया है जिससे ये अच्छे से कचौड़ी हमारी फ्राई हो सके। और मैंने इतना लिया है, आप अपनी पसंद से जो जिस तेल में चाहते हैं, जिस भी ऑयल में आप पसंद करते हैं वो ले सकते हैं। और ये देखिए, मेन जो मैं आपको दिखाना चाहती हूँ, ये वो कपड़ा है जिस पे हम अपनी कचौड़ी तैयार करेंगे। आपको भी इसी टाइप का कपड़ा लेना है। और चलिए अब हमारा तेल अच्छे से पक चुका है, तो अब हम कचौड़ी बनाने के लिए जो प्रक्रिया है जो स्टार्ट करते हैं। चलिए कचौड़ी बनाना अपना स्टार्ट करते हैं। और इसके लिए हमें थोड़ा सा एक कोली में, कटोरी में पानी लेना है, और इस कपड़े को ऐसे हमें किसी प्लेट के अंदर ऐसे रख लेना है। चलिए फ्रेंड्स, अब हमने जो नमक नहीं मिलाया था स्टार्टिंग में, अब हम वो नमक मिलाते हैं। हमने यह नमक अपने टेस्ट के हिसाब से डाला है, आप भी अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। और इसे हमने अच्छे से मिलाना है। अच्छे से मिला देने के बाद फिर हम अपनी कचौड़ी स्टार्ट करते हैं। आप इसे जितना मैश करेंगे ये उतना ही अच्छे से कचौड़ी आपकी
तैयार होगी। तो चलिए फ्रेंड्स, देखिए ये कपड़े को हमने अच्छे से इस तरह से इसे गीला कर लेना है और इसी पे हमारी अब जो कचौड़ी है वो इसी पे तैयार करेंगे हम। और हमने थोड़ा सा जितना आपको लेना होता है आप उतना डो ले सकते हैं इसका। ये देखिए ये मैंने कचौड़ी के लिए ये लिया है और इसे आप अच्छे से यहाँ पर रख के ऐसे पानी लगाने के बाद ऐसे ऐसे इतना फैलाना जितना आपको पसंद है फैलाना। उसके बाद हम गाइस ये लेने के बाद अच्छे से इसे ये देखिए ये कितना इजी से उतर के आ चुकी है हाथ पे हमारे। और ये देखिए गाइस ये हमारी जो है चिकन कचौड़ी वो अभी तैयार हो रही है। और फ्रेंड्स ये देखिए ये हमारी कचौड़ी अच्छे से फैल चुकी है और ये देखिए कितना इजली ये हमारी उतर चुकी है। और अब चलिए हम इसे डालते हैं। हे फ्रेंड्स देखिए ये हमारी जो कीमे की कचौड़ी है चिकन कीमा कचौड़ी ये बनकर तैयार हो चुकी है। और आप देख सकते हैं ये बिल्कुल मैंने प्लेट में अच्छे से लगा दी है। और चलिए अब हम इन्हें आपको दिखाते हैं। ये देखिए अंदर से इसकी ये देखिए ये बहुत अच्छे से पक चुका है और ये अब हम खाने के लिए तैयार है। तो चलिए गाइस खाते हैं। और यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए यदि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।